रेटिना कैच करता है मोबाइल वेव्स को, जब हम एक्टिविटी करते हैं कोई भी, एसएमएस करते हैं या वीडियो ट्रांसमिट करते हैं या इनकमिंग कॉल या कुछ भी आउटगोइंग कॉल, तो ये क्या करते हैं एंटीना से कैच करते हैं. ठीक है, तो यहाँ से सिग्नल इसके पास जाता है कैपेसिटर के पास, ये कैपेसिटर लो इनपुट करंट देता है इस आईसी को. ठीक है, फिर ये आईसी क्या करती है, करंट को वोल्टेज में कन्वर्ट करती है. ये दोनों आईसीज कनेक्टेड है इस टाइम पे, इससे कैपेसिटर से ये आईसी टाइमर काम करती है, सेकंड आईसी. और ये रजिस्टर और ये कैपेसिटर इस सेकंड आईसी से कनेक्टेड है और ये दोनों कंट्रोल करते हैं टाइम डिले. इसके बाद वोल्टेज इसके पास चली जाती है और इससे सिग्नल बजर के पास चला जाता है, बजर बजने लग जाते हैं और एलईडी की लाइट ऑन हो जाती है साइमल्टेनियसली. तो अगर कोई एग्जामिनेशन हॉल में चीटिंग कर रहा है तो हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं. अगर कॉन्फिडेंशियल रूम्स में इन्फॉर्मेशन शेयर करना अलाउड नहीं होता, बिकॉज क्योंकि उनकी जो कंपनीज होते हैं या पॉलिटिशियंस होते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन किसी दूसरे बंदे के पास नहीं पहुँचनी चाहिए. तो यहाँ से इन्फॉर्मेशन को रोकने के लिए हम यहाँ पे मोबाइल डिटेक्टर लगा सकते हैं या फिर हिस्टोरिकल प्लेस होते हैं यहाँ पे इमेज कैप्चर करना अलाउड नहीं होता तो हम यहाँ पे लगा सकते हैं, उसको डिटेक्ट कर सकते हैं. या आर्मी फील्ड होते हैं वहाँ पे स्पाई करना अलाउड नहीं होता, जैसे कोई अपनी कंट्री का किसी और कंट्री को भेज रहे हैं इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं. और ये गैस रिफिलिंग स्टेशन और पेट्रोल पम्प, यहाँ पे रिस्की होता है मोबाइल फ़ोन यूज़ करना क्योंकि इसके अंदर से रेडियो वेव्स निकलती है और यहाँ पे एक्सप्लोजन हो सकता है मोबाइल से, हो सकता है एक्सप्लोजन. कैसे ऐसा हुआ भी है पेट्रोल पम्प्स पे कहीं ब्लास्ट? अच्छा, आजकल जो है एक तो पेन में, घड़ी में, फिर में कैमरा होता है स्पाई कैमरा, उसको तो नहीं कर सकता ये? नहीं, ओनली मोबाइल, मोबाइल विद कैमरा. अब मोबाइल में कैमरा ना हो तो भी वो फिर भी वो डिटेक्ट करें. मोबाइल से कॉल आ रही है जा रही है, एसएमएस हो रहे हैं या वीडियो ट्रांसमिट हो रही है, उन सबको स्पाई कैमरा गैजेट. ये सर्किट बता दोगे कैसे आपने ये कैसे एज इट इज इसका डायग्राम बनाया गया है. एंटीना है 5 इंच लॉन्ग एंटीना और ये कैपेसिटर है C1 C2 जो नाम दिया हुआ है इस कैपेसिटर में. अच्छा, एक बात हुई अभी वर्किंग कंडीशन में है. हाँ जी, एक बार कोई मोबाइल ला के दिखाए जरा करें पता चले. तो मोबाइल से सिर्फ कॉल करने और जाने पर ही ये डिटेक्ट करे, कॉल और एसएमएस वीडियो ट्रांसमिट. एक मिनट देखिए, ये हम कॉल करेंगे. ठीक है, अब इसको सर्किट को क्लोज कर देंगे. तो ये जो मोबाइल के कारण हो रही है या वैसे इसमें आवाज है उसके कारण? नहीं, मोबाइल से वेव्स निकली हैं वो इसने कैच की है. एक बार दोबारा करना जरा.